हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैट्स ट्रेलर्स ऑटो गाइड ट्यूटोरियल सीरीज। सो फ्रेंड्स, आज हमारी ऑटो गाइड 3D की फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज आपके सामने ही है, जो इमेज आपको दिख रही है वही हम आज बना के देखेंगे। सो देख लेते हैं एक्सरसाइज में, ड्रॉइंग में हमारे पास दे क्या रखा है। देखिए यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू में एक आपको ये इमेज दिख रही है जो एक्चुअल में पार्ट है, और यहाँ पे अलग अलग व्यूज दे रखे हैं आपको। टॉप व्यू दे रखे हैं, अगर आप इसको टॉप से देखेंगे तो इस तरह से आपकी इमेज दिखेगी, और यहाँ से कुछ डायमेंशंस भी दे रखे हैं आपको। दूसरा आपको फ्रंट व्यू दे रखा है, फ्रंट से अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस तरह से आपको इसका व्यू दिखेगा, और इस तरह से आपको उसकी डायमेंशंस दे रखी है। ओके, और अगर आप बिल्कुल इस साइड से देखोगे तो इस तरह से आपको ये पार्ट दिखेगा। तो ये तीनों आपके पास अलग अलग व्यूज हैं। अभी तो यहाँ पे आपके पास ये वाला पार्ट दिखा रखा है, बट कई ड्राइंग्स में आपको ये पार्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो कई ड्राइंग्स में आपको सिर्फ ओनली ये तीन ड्राइंग्स ही मिलेंगी जिसमें आपको तीन व्यूज दिख रहे हैं। ओके सर, आपको ये ड्राइंग्स पढ़ के इमेज बनानी होगी दिमाग में भी, एक्चुअल पार्ट होगा क्या आपका, किस तरह से एक्चुअल पार्ट बनेगा आपका। ठीक है, सो हम इस तरह से इसको बना के देखते हैं आज। तो आपके पास ये है टॉप व्यू, यहाँ से आपके पास है फ्रंट व्यू, और ये है आपके पास साइड व्यू। तो तीनों में आपके पास डायमेंशंस दे रखी हैं, तो तीनों को एक बार समझते हैं कि डायमेंशंस है कौन कौन सी और किस तरह से इसे बनाना है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे मेरे पास टॉप व्यू है, अगर मैं इसे टॉप व्यू से बनाऊ तो किस तरह से बनेगा मेरा। मुझे ये चीज बनानी पड़ेगी और इसे एक्सट्रूड करना पड़ेगा, एक्सट्रूड करने के बाद मुझे ये भी पार्ट अलग से एक्सट्रूड करना पड़ेगा, और उसके बाद साइड से मुझे ये चीज बनानी पड़ेगी। ओके, फिर उसे यहाँ तो कट करना पड़ेगा या तो चैम्फर करना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ से भी एक चीज बनाऊंगा और यहाँ से कट करूंगा, फिर मैं टॉप से ये चीज बनाऊंगा और इसमें होल लगाऊंगा। अगर मैं टॉप व्यू से बनाने लग गया तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा इसको बनाने में। सो ये आपको डिसाइड करना है कि बनाना कैसे है। ये आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी से आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी आप किस तरह से बना सकते हो इसको। ओके, अब यहाँ पे फ्रंट व्यू में देख लेते हैं, फ्रंट व्यू में किस तरह से आपके पास ये ड्राइंग आ रही है और इसको किस तरह से हम बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से फ्रंट व्यू से देखूं तो ये चीज मेरे पास आ रही है, देखिए ये चीज आपके पास आ रही है सारी की सारी, और ये चीज भी आ रही है। ओके, सो अगर मैं फ्रंट व्यू से ये सारी चीज बनाऊं तो इसको मैं एक बार में इस वाले पार्ट को एक्सट्रूड कर सकता हूँ, फिर उसके बाद ये जो मेरे पास पार्ट आ रहा है इसको मैं अलग से एक्सट्रूड कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पे 21 दे रखे है। ओके, और देखिए इस तरह से आपके पास यहाँ से भी डायमेंशंस दे रखी हैं। सो इट मींस अगर मैं फ्रंट व्यू से ये वाली सारी ड्राइंग बनाऊं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मेरे को दो एक्सट्रूड में मिल जाएगा, और थर्ड एक्सट्रूड में अगर मैं देखूं तो यहाँ से टॉप फेस से मैं ये चीज बना के इसमें होल लगा सकता हूँ और इसको एक बार में एक्सट्रूड कर सकता हूँ या फिर प्रेस पुल कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो ये मेरी ड्रॉइंग जो है तीन अटेम्प्ट में कम्प्लीट हो जाएगी। एक बार एक्सट्रूड ये वाला पार्ट हो जाएगा, एक बार ये वाला पार्ट एक्सट्रूड हो जाएगा, और एक बार ये वाला पार्ट एक्सट्रूड हो जाएगा। ओके, सो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सो आइए इसे फ्रंट व्यू से बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या दे रखे हैं इसमें पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद ऑटोकैड में ड्राइंग बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखे, देखिए एक 24 का सर्कल दे रखा है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये लाइन दे रखी है, तो इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी विड्थ यहाँ दे रखी है, देखिए टॉप फेस में 144, तो यहाँ से लेकर इसका हाफ कितना हो जाएगा 72। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं इसकी हाफ ड्राइंग बना के इसको यहाँ पे मिरर भी कर सकता हूँ, तो ये मेरे को सारी कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं, मैं इसको हाफ बना के इसको मिरर कर दूंगा। और यहाँ पे ये वाली हाइट कितनी दे रखी है 15, और यहाँ पे एंगल दे रखे हैं 48 का। सो इसकी यहाँ पे डायमेंशन कितनी दे रखी है 15.27। ओके, तो 15.27 है, तो रेडियस दे रखे है, इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डायमेंशन कितनी है 15.27, तो हाफ उसकी डायमेंशन है 15.27, तो उसको मैं हाफ लेके मिरर कर दूं यहाँ पे तो डबल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से फटाफट बना लेते हैं, इस तरह से हमें बनाना है। तो सी एंटर 0.0, मेरे पास 24 का रेडियस आ गया, जेड एंटर ए एंटर, एल एंटर 0.0, 72.0, 72.15, एट द रेट लेंथ कितनी हो गई आपके पास, मान लीजिए 50 है, लेस देन एंगल, अब यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है आपके पास 48 डिग्री आ रहा है, और 48 डिग्री आ कैसे रहे, 180 माइनस 48 जा रहा है, सो 180 माइनस अगर मैं 50 करूंगा तो कितना आ जाएगा 130, तो 130 प्लस 2 132 डिग्री का एंगल आएगा ये, एट द रेट लेंथ मैंने ले रखी है 50 और लेस देन एंगल कितना आ जाएगा 132,
तो इस तरह से ये लेंथ आ जाएगी। और उसके बाद अभी मुझे ये लेंथ प्रॉपर नहीं पता कि कितनी दे रखी है, सो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस लाइन को मैं यहाँ तक ऑफसेट कर लूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन दे रखी है। ओके, सो ये कोई ना कोई तो डिस्टेंस दे रखा होगा। तो हम साइड प्लेन में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमें 78 डिस्टेंस दे रखे है बॉटम से लेकर टॉप तक का। तो 78 मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ, ओ एंटर 78, इस लाइन को मैं ऑफसेट कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं एक्सटेंड कर लूंगा। सो इस तरह से इसे ट्रिम कर लूंगा, तो ये मेरा ट्रिम हो जाएगा। तो इस तरह से ये पार्ट भी रेडी हो जाएगा, ये चीज मेरी बन गई है। अब इसको मैं मिरर कर सकता हूँ। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे भी कुछ दे रखा है, तो इस पार्ट को किस तरह से बनाएंगे। मेरे पास 56 की लेंथ दे रखी है और यहाँ से हाइट कितनी दे रखी है, 36 की हाइट दे रखी है। तो इट मीन्स मैं इसे ऑफसेट कर लूंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, लाइन लूंगा। ऑफसेट लेने के लिए मेरे पास लेंथ भी होनी चाहिए क्योंकि मेरे को 56 का डिस्टेंस भी क्रिएट करना है। सो मैं एल एंटर 0.36 पे एक लाइन लगाऊंगा और यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 56 है। तो 56 का हाफ कितना हो जाएगा, 28। सो 28.36 मेरा ये डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, ऑर्थोन करके ये लाइन ले लूंगा, एल एंटर, यहाँ से मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा और जो रेस्ट पार्ट बचा है उसे मैं ट्रिम कर लूंगा इस तरह से। ओके, सो फ्रेंड्स मेरी ये हाफ ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, इसे मैं मिरर कर सकता हूँ अभी। सो MI एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स जिसको आपने मिरर करना है, ये भी लाइन रहेगी आपकी, और 0.0, 0.10 वर्टिकली मेरे को इसको ट्रिम करना है। सो ट्रिम करने के बाद इसको भी ट्रिम कर दीजिए क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, आप देख सकते हो ये चीज मेरी कंप्लीट हो गई है। बस यहाँ पे ये जो एक ट्रायंगल आ रहा है वो मेरा टॉप लेन से बनेगा। सो अगर आप फ्रंट प्लेन से देखोगे तो वो रेक्टेंगल ही दिखेगा आपको। ओके, सो अभी मेरा ये रेडी हो चुका है, बट अभी ये एक्सट्रूड के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल भी एग्जांपल बताई थी, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो क्लोज है तो इट मींस वो एक्सट्रूड के लिए अभी रेडी नहीं है, अगर आप उसको ज्वाइन ना करो तो। सो ये ज्वाइन होना जरूरी है। सो इसलिए मैं इसे क्या करूंगा, ये वाले लाइंस को ज्वाइन कर लूंगा। ये एक पार्ट एक्सट्रूड अलग से होगा, ये पार्ट, ये देखिए, सो ये एक पार्ट अलग से एक्सट्रूड हो गया। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा अभी, एल एंटर, यहां से लाइन लेके इस पार्ट को अलग से मैं ज्वाइन कर लूंगा। ओके, सो जे एंटर, ये वाली लाइन आ गई, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और ये देखिए मैंने इसको ओवर लेयर्ड किया है। तो इस तरह से ये मेरी, ये देखिए एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। सो मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, इसे मैं एक्सट्रूड किस तरह से करूंगा वो देखते हैं। सो EXT एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखिए। सो इसे मुझे कितना एक्सट्रूड करना है वो देख लेते हैं। ये देखिए टॉप लाइन से मुझे दे रखी है, इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, 80 का। सो 80 का डिस्टेंस है, सो मैं इसे 80 mm एक्सट्रूड कर लूंगा। तो इस तरह से मेरे पास ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसे कंसेप्चुअल व्यू देखूं तो इस तरह से आपके पास ये चीज आ जाएगी। ओके, सो इसी तरह से अगर मैं इसे भी एक्सट्रूड कर दूं, ग्रिड व्यू ऑफ कर लेते हैं, इसे भी मैं एक्सट्रूड कर लेता हूं यहां से। सो फ्रेंड्स यहां पे आप क्या करोगे, देखिए शिफ्ट प्रेस करोगे तो वो एक पॉइंट को फिक्स कर देगा, तो वहां से सारी साइड्स में मूव नहीं होगा, एक साइड तो फिक्स रहेगी आपकी। शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करोगे तो फ्री मूव करेगा, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हो। ये देखिए हो रहा है ना, कोई भी डायरेक्शन आपकी फिक्स नहीं है। ओके, सो इस तरह से मैं इसे अभी क्या करता हूँ, एक्सट्रूड कर लेता हूँ। EXT अगेन एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। अब ये कितना एक्सट्रूड होगा, यहां से दे रखा है आपको 21। सो मैं इसे क्या करूंगा, 21 mm एक्सट्रूड कर लूंगा। तो इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आपका ये अभी ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। सो अभी मुझे क्या करना है, ये चीज बनानी है। तो ये चीज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एक चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गिज्मो। गिज्मो क्या चीज है आपके पास, जो ये वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहा है आपका। सो आप इसको जहां पे भी प्लेस करोगे वहां पे ये आपका प्लेन हो जाएगा। ओके, ये देखिए। सो यहाँ पे अगर आप बैक करेंगे तो इसके ऊपर आप कुछ भी बनाएंगे तो यहीं पे बनेगा। ओके, सो मैं इसे अभी क्या कर रहा हूँ, वायर फ्रेम में बैक चला जाता हूँ। सो यहां से अभी हम क्या करेंगे, मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, या उससे पहले मैं एक लाइन ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को सर्कल का डिस्टेंस भी क्रिएट करना है। सो सर्कल का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक कितना है, सेंटर से यहां तक 35। सो मैं एक लाइन ले लूंगा सेंटर से, ये देखिए सेंटर लाइन आ रही है मेरे पास। सो
लाइन ली मैंने सेंटर पॉइंट से कितनी 35। ये देखिए अभी आपके पास ये प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए मैंने इसको गिज़्मो को जरूर ऑन मूव किया है, बट ये अभी एक्स वाई प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन दिखा रहा है। सो मुझे ये करना पड़ेगा, इसे मूव गिज़्मो, इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा सेंटर पे। तो आप देख लीजिए एक्स वाई प्लेन ये आ जाएगा। तो मैं इसे अगर रिमूव करूं और दोबारा अगर इसको देखूं तो ये मेरा टॉप प्लेन आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर कुछ भी बनाऊंगा तो यहीं पे बनेगा। ओके सो ये देख लीजिए कितना बनेगा 36, ये लेंथ आ गई मेरी। ये देखिए इसी प्लेन पे बन रहे हैं, बेशक वो बॉटम पे बन रहे हैं, तो आप उसको मूव भी कर सकते हो। ठीक है सो फ्रेंड्स, इस तरह की आपको ट्रबल शूट्स आती रहेंगी। इस वीडियो में आपको ट्रबल शूट का भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और उसको हम किस तरह से फेस कर सकते हैं। ओके सो इस तरह से आपको इसमें 3D में प्रॉब्लम आती रहेंगी। ओके सो इसीलिए कहते हैं ऑटोकैड का 3D थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट घबराने की जरूरत नहीं, मजा बहुत आता है इसमें काम करने का। डिफिकल्ट चीज ही बनाने का मजा आता है। जो इजी चीजें बन जाती है वो तो सारे बना लेते हैं, बट डिफिकल्ट चीज कोई कोई बनाता है। सो आपने इसको ट्राई जरूर करना है। सो जैसे मान लीजिए अब ये मेरे पास आ रहा है, अब इसे मैं मूव करूंगा। ठीक है सो इसे मूव किस तरह से करूंगा, ये देखिए ये आ रहा है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, ऑर्थो मेरा ऑन है। ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे मूव करना है इस वाले पॉइंट से यहां तक। तो आप देख सकते हो ये लाइन मेरी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है सो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। थोड़ा सा ड्रॉबैक्स हैं इसके, बट मजा आता है इसमें काम करने का। ओके तो आप इसे ट्राई जरूर करना। सो यहाँ पे मेरे पास सर्कल कितना आ रहा है, अभी एक 10 का आ रहा है डाया और एक रेडियस आ रहा है 15.27 का। सो मैं रेडियस ले लेता हूँ 15.27 का। सो ये मेरे पास रेडियस आ गया 15.27 का। ओके सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, अभी मैं इसे ऑफसेट कर दूं, ओ एंटर, कितना था 15.27, तो 15.27 मैं इसे ऑफसेट कर दूंगा यहाँ पे और यहाँ पे। सो अगर मैं इसे रोटेट करके देखूं तो आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो रहा है। सो TR डबल एंटर, ट्रिम कर दीजिए इसे, इस लाइन को भी और इस लाइन को भी। ई एंटर, सेंटर वाली लाइन को इरेज कर दीजिए। ओके सो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सी एंटर, इसके सेंटर से आप सर्कल लगा लीजिए, ये रहा सेंटर आपका 5 का, रेडियस आ जाएगा 10 का डाया था आपका। ओके सो अब मैं इसे क्या करता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ। ये लाइन आ रही है मेरे पास, ये लाइन आ रही है और यहाँ पे लाइन नहीं दे रखी है, तो मैं इसे भी ज्वाइन कर लेता हूँ अभी। ये लाइन को यहां तक ज्वाइन कर लेता हूँ। सो फटाफट इसे ज्वाइन कर लेते हैं अभी, इसे भी एंटर। सो आप देख सकते हो ये और ये एक पार्ट हो गया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दोनों अलग अलग पार्ट आ रहे हैं, तो इसे मैं क्या करूंगा अभी प्रेस पुल करूंगा। ठीक है सो इसे प्रेस पुल कर लेते हैं, PRE SS सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और इसे मैं कितना mm एक्सट्रूड करूंगा, 21 mm, ये दे रखे हैं यहाँ पे 21 mm। सो इसे मैं 21 mm एक्सट्रूड कर लेता हूँ। अब ये उल्टी डायरेक्शन में चला गया, तो कंट्रोल जेड करके प्रेस पुल कर लेते हैं इसे दोबारा से, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और इसे -21 कर देते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, या फिर उसे आप मूव भी कर सकते हो जो आपका सॉलिड पार्ट है। ओके सो इसे वायरफ्रेम में देख लेते हैं किस तरह से ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आया है। सो अगर इसे फ्री मूव करना हो तो इस तरह से मैं इसे मूव करके देख सकता हूँ। ओके सो फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट बन गया है। अभी आप एक चीज देखिए यहाँ पे, ये देखिए लाइन्स आ रही है ना आपके पास, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये अलग है, ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो सारे पार्ट अलग अलग हैं, इनको क्या करेंगे हम यूनियन करेंगे। सो यहाँ से मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट जिसको जिसको यूनियन करना है, एंटर किया तो यहाँ से लाइन्स भी गायब हो जाएंगी सारी। आप देख लीजिए ये सारे पार्ट यूनियन हो चुके हैं। ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और रह गई हमारी, यहाँ पे इस कॉर्नर पे फिलेट लगाने के लिए। ओके अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए इस कॉर्नर में फिलेट है। सो इस डायग्राम में कितनी दे रखी है फिलेट आपको, R18। सो दोनों तरफ मेरी 18 की फिलेट लगेगी, तो फिलेट लगा के देखते हैं किस तरह से लगेगी। सॉलिड में जाएंगे, फिलेट एज में जाएंगे, एज सिलेक्ट करेंगे, कितने की आएगी फिलेट, रेडियस देंगे हम यहाँ पे 18 का, सिलेक्ट एंटर, अगेन एंटर। ओके सो यहाँ पे फिलेट अगेन और सिलेक्ट द एज और रेडियस कितना आ रहा है मेरे पास 18 का, सो एंटर। सो इस तरह से आपका अब ये ऑब्जेक्ट जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये ड्राइंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू।